हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 9। मैंने खाने में बनाया था आलू और टमाटर की सब्जी, जो मैं भंडारे की सब्जी बनाती हूँ। खीर, रायता और पूरी, वो सब मैंने बना के रख लिया है और पैक कर लिया है गांव के लिए। वहाँ पे आरती मटर पनीर की सब्जी बनाएगी, मतलब दोनों जगह का खाना हो जाएगा। हम सब मिलके साथ में वहीं पे खाना खाएंगे। मेरा तो वैसे भी फास्ट है, अभी 12 बजे के आसपास होली पूजने के बाद ही खाना खाएंगे। तो बाकी मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। सॉरी, मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और अभी आप देख रहे हो 9:15 के आसपास का टाइम है। अब हम निकल रहे हैं गांव के लिए, तो मिलेंगे बाद में। लगा, तू भी लगा दे, लगा दे।
ओके उसके थोड़ा पीछे के चली जाओ कुछ ना ठीक है फाटेंगे कुछ मम्मी वो जैसे मैंने घड़ी ने ना पूछनी है एकदम ही रोड ऐसा खड़ी हो गई तो पड़े यूं तक मैं के लिए मैंने बोली है सब के जब कि मैंने पीछे तो थी और जो मैं लंबी रोड के चल थी ना तो मैं पार हो जाती हूं मैंने पीछे थोड़ी सी ना थोड़ी सी है पर फिर भी वैसे वही ना फिर वे सबसे नीचे नहीं गए आगे जब मैंने फिर मेरा मन कर रहा है नहीं हाँ जी तो हमने देवताओं की पूजा कर ली है जो बड़े बाबा है उनकी पूजा कर ली है अब हम जा रहे हैं दूसरे देवता के पास उसके बाद हम जाएंगे एक मंदिर है वहाँ पे तो अभी हमारा एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम और है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा थक गए हैं लेकिन साल में दो बार ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग गांव आते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है तो चलिए चलते हैं देवताओं के पास यार इनकी तो घनी लंबी बात नहीं हुई हां मैंने उनके बिजली साथी मिले थे कौन गए चल भाई इनका तुम जो ना दो चार ने टुकड़ी को आ जाओ यार कौन गए वो आ रहे बात कर उन्हें कोई वो मिल गई थी उनकी पिकली और तीन कुछ पता ना उनके चर्चे थे गांव में
बोल लो तुम वीडियो में, मैं तो डाल दूंगी ऐसी, देख लो तुम, मैं तो डाल दूंगी, बोलते रहो अच्छे से बात करते हो हमसे गुस्से में। मैंने दुख नहीं कहा, वो लगा देना, हेलो कर दो, जय हो। बस मुझे हो गया, मुझे हाथ जोड़ लो इधर आके, हम जा रहे हैं अपने घर और ये है जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, ये है लड़पुरा, हमारे गांव के पास ही है। तो यहाँ पे नवी कलाकंद भंडार के नाम से शॉप है जिसके कलाकंद बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ के लोग भी पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड भी। ना कर दो, 50 रुपए और दे दो मेरे पे, दू। तो यहाँ के नवी भंडार के कलाकंद बहुत फेमस है। अगर आप लड़पुरा कासना के आसपास के रहने वाले हो तो आप भी यहाँ की कलाकंद ट्राई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मतलब बन रहे हैं, कलाकंद हो गए थे खत्म, बस आधा किलो है। तो हम सोच रहे थे कि 1 किलो या 2 किलो ले लेंगे दुल्हनी के लिए, जैसे गेस्ट आते हैं उनके लिए, लेकिन कलाकंद खत्म हो गए हैं सारे और अब फिर से बन रहे हैं, तो बस आधा किलो कलाकंद बचे हैं, तो वो हम ले रहे हैं अपने लिए, घर के लिए। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी शॉप दिखा देती हूँ। अच्छी है, इसको तो खा के देख ले, कल परसों कभी खा के देखो अच्छी है। तो हमने मतलब कलाकंद ले लिए हैं और हम भी निकल चुके हैं घर के लिए, तो बस आधा किलो लिए हैं, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। हो सकता है शायद मैं घर जाके नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए हैं, तो हिम्मत नहीं है आगे व्लॉगिंग करने की। इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करूंगी, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से लड़पुरा निकल गया था, लेकिन ये जो शॉप है ये सिरसा में है और ये देखिए अभी अच्छे से जमा नहीं है कलाकंद, क्योंकि इनके जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, अब ये फिर से बना रहे हैं। यहाँ के ये फेमस कलाकंद है तो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।